अपना किरदार भी अपना किरदार भी देखना चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गर तलब से भी कुछ माँ सिवा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है, और अल्लाह पाक इस बरकतों वाले महीने में हम सबके घरों में, रिस्क में, आपस में बरकतें पैदा करें। क्योंकि बरकत सिर्फ रिस्क की नहीं होती, बरकत जो है मोहब्बत की भी होती है, बरकत जो है आपके अच्छे अमाल की भी होती है, बरकत ईमान की भी होती है, बरकत खाने की भी होती है, बरकत आपस में अमन व अमान की भी होती है। तो अल्लाह पाक हमारे तमाम मामलात में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, नज़र बद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नज़र बद पर यकीन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नज़र बद पर यकीन करते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी नज़र बद अगर लगनी होती तो अंग्रेज़ों के बच्चों को क्यों ना लगती, अंग्रेज़ों के बच्चे तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो भाई जवाब ये है कि अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वहाँ सभी अंग्रेज़ होते हैं, तो सभी लोग खूबसूरत होते हैं। जब सारे ही लोग खूबसूरत होंगे तो फिर नज़र लगने की क्या बात, देखने वाला भी खूबसूरत, सामने नज़र आने वाला भी खूबसूरत, तो ज़्यादातर लोग खूबसूरत ही होते हैं वो, तो जी ज़ाहिर है नज़र क्यों लगेगी, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। अब बात है कि खूबसूरती क्या है। हम लोग समझते हैं कि खूबसूरती सिर्फ देखने के खूबसूरती सिर्फ देखने वाली होती है कि जी आपकी शक्ल अच्छी है तो आप खूबसूरत हैं, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो खूबसूरत नहीं है, और सिर्फ खूबसूरत लोगों को नज़र लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक की बनाई हुई तमाम सूरतें, तमाम चेहरे खूबसूरत हैं। हाँ, खूबसूरती पे किसी को किसी पे सबकत ज़रूर है कि कोई ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती जो है वो अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। और खूबसूरती के साथ साथ अगर खूबसूरती भी हो तो ज़्यादा इंसान जो है वो खूबसूरत लगता है। अगर खूबसूरत ना हो और सिर्फ खूबसूरत हो तो फिर वो इंसान क्या खूबसूरत हुआ। लेकिन बात करते हैं हम नज़र बद की, तो नज़र बद जो है खाली खूबसूरती को नहीं लगती, नज़र बद लगती है इंसान की अच्छी चीज़ों पर, इंसान की अच्छी कमाई पर, इंसान की अच्छी औलाद पर, इंसान के अच्छे रिश्तों पर, इंसान के अच्छे घर पर, इंसान के अच्छे दस्तरखान पर, इंसान की अच्छी बात पर, किसी आवाज़ पर, कुछ भी आपके पास जो अच्छा है जो किसी और के पास नहीं है। तो हासिद की जो नज़र होती है वो ज़्यादा तकलीफ देह होती है, वो ज़्यादा बुरी नज़र होती है, और वो नज़र ऐसी होती है कि वो ये सोचता है कि काश ये चीज़ इससे छिन जाए या काश ये चीज़ मेरे पास आ जाए। तो नज़र बद जो है वो बरहक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़र बद नहीं होती, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नज़र का लगना हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। तो सोचें कि नज़र बद यानी कि जो तकदीर अल्लाह ने बनाई है अगर उस पर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। इतनी खौफनाक और ख़तरनाक है नज़र बद कि वो तकदीर को भी पीछे छोड़ देती। लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है हम लोगों पे, अल्लाह पाक ने हमारी तकदीर अपने हाथों में रखी हुई है और कोई भी चीज़ उस पर सबकत नहीं ले जा सकती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं कोई, तो उन कामों में रुकावटें आ जाती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, काम जो है वो बन नहीं पाते, या बन पाते भी हैं तो मुश्किलों, परेशानियों की वजह से, टेंशनों में रहते हैं आप, काम तो हो जाता है, तकदीर में अल्लाह ने जो लिखा है वो तो हो के रहेगा, लेकिन नज़र बद रुकावटें पैदा करती है, तबीयतें ख़राब करती है, टेंशनें देती है, बिला वजह की ज़हनी अज़ियत होती है हमें, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है, हम घर वालों से लड़ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, एक दूसरे को झिड़क रहे होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तो ये होती है नज़र बद। अब मैं एक और हदीस आपको सुनाती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज, इसके फैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। या अल्लाह,
ये बहुत बड़ी बात है। नबी पाक की जो हदीस है इसमें क्या लिखा है कि अल्लाह की किताब उसके फैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नजरे बद के असरात से मरने वालों की होगी। यानी कि अल्लाह पाक ने जो मौत हमारी लिखी गई है तबई मौतें जो हैं उसके बाद जो मौत होगी सबसे ज़्यादा वो नजरे बद की वजह से होगी। कैसी बात है, इतनी ख़तरनाक होती है नजरे बद कि इंसान को, एक और हदीस में आता है कि नजरे बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा सकती है। इतना बड़ा ऊँट होता है, वो हांडी में कैसे आएगा, यानी कि ये हाल कर देती है नजरे बद। एक और हदीस है उसमें ये है कि जी नजरे बद जो है वो पहाड़ को पत्थर बना देती है। प्यार की नज़र भी होती है, अपनों की भी नज़र होती है, गैरों की भी होती है, लेकिन जो नज़र हासिदों की नज़र होती है ना वो तबाह कर देती है, तबाह कर देती है हम लोगों को। ऐसी नज़र होती है हासिदों की। और कहते हैं कि ये जो नज़र बद होती है ये ऐसे काम करती है, बहुत तेज़ होती है, ये बहुत तेज़ चलती है, ये बड़ा तेज़ काम करती है नज़र बद। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे तजुर्बात मुझे हुए हैं, मैंने देखे हैं ऐसे तजुर्बात। तो अल्लाह पाक हम सबको नज़र बद से, हासिदों की नज़र से महफूज रखे, हमारी जानों की, हमारी मालों की, हमारी ईमानों की हिफाज़त फरमाए, हमारी औलादों की, हमारे सरमाए की हिफाज़त फरमाए, नज़र बद से बचाए, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे नज़रे बद पे, कि नज़रे बद जिसके बारे में कहा गया है कि जी नज़रे बद जो है वो लगती है और इसका बिल्कुल बहुत सारे लोग इसका वो करते हैं इनकार के, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अंग्रेज़ों के बच्चे तो इतने हसीन होते हैं उनको तो नज़रे बद नहीं लगती, हमें क्यों लगती है, मतलब ये बस कहानियां हैं, घड़ी हुई बातें हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में पहुंचा सकती है और पत्थर पहाड़ को पत्थर कर सकती है। तो नबी पाक की हदीस है तो ज़ाहिर है साबित होता है इससे कि नज़र बद बिल्कुल होती है। आप हमें बताइए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी क्या हकीकत है। نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے العین حق نظر کا لگنا حق ہے इन सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो नगर हम बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तो नज़र होती है। और आज आप ये देखिए मॉडर्न साइंस और बिलखसूस जो माइंड साइंस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी इंसान को हसद की नज़र से देखता है तो उसकी आँखों से एक नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो सामने वाले बंदे के अंदर इंक्लूड हो जाती है, उसकी जो पोटेंशियल जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से जो नज़र बद होती है, जिसको नज़र लगती है वो थकावट का शिकार हो जाता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत महदूद होना शुरू हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहता है, अगर कोई अच्छा गुड स्पीकर है तो उसको बोलने में तकलीफ़ होती है, अगर कोई काम करता है तो उसके काम में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, नज़र बद की वजह से होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो नज़र की, जो नज़र हसद की नज़र होती है। और याद रखिएगा एक बात कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जब आप मुताला करें तो वो लोग के जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी नज़र रखते हैं, वो रहमान के करीब हैं यानी अल्लाह के करीब हैं, और वो लोग के जो हसद की नज़र रखते हैं, हसद की ये बर्बाद हो जाए, इसकी नेमत छिन जाए, ज़ाइल हो जाए, शिकवा करते हैं, वो तो अल्लाह से दूर हैं और शैतान के करीब हैं और जहन्नुम के करीब हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा नज़र बद का शिकार रहता है वो चिचड़ाहट मायूसी की तरफ चला जाना शुरू हो जाता है। उसके से भी बेहतरीन तरीका ये कि वो नमाज का पाबंद रहे। अच्छा, कुछ लोग जब नज़र बद का शिकार होते हैं तो नमाज की तरफ जाते हैं तो रागिब नहीं हो पाते, उनका दिल नहीं लगता, वो परेशान हो जाते हैं। देखिए बावजूद रहें, नमाज की कसरत करें, और तीसरा ये है कि आयतुल कुर्सी की कसरत करें।
कुछ औलिया कामलीन जो हैं वो इसके कुछ वज़ाइफ़ भी करवाते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहता है, किसी से कहा जाता है कि भाई आप 41 मरतबा आयतुल कुर्सी 41 दिन पढ़ें, अच्छा 313 मरतबा पढ़ें। कंडीशन देखी जाती है कि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो देखते हैं कि हाँ अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को 500 मरतबा ही कहा जाता है कि आप पूरे दिन के अंदर 500 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसकी वजह ये कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र है और जिसकी वजह से आप मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। अच्छा, क्या ये सही है कि सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ उसका मुझे होता है कि हाँ ये मैंने खुद पढ़ी हैं तो ये सही है। मैंने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में जो अमवात होंगी वो तबई मौतों के बाद जो अमवात होंगी वो नज़र बद से होंगी। क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है? नबी पाक फरमाया तबई मौत के बाद जो मेरी उम्मत में जो अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। तो उसमें ये कि आप अल्लाह सुबहाना व तआला का जिक्र कसरत से करते रहें। और एक देखिए, इस ज़माने के अंदर कुछ कभी कभी हम लोग ख़ुद नज़र लगवाने के शौकीन होते हैं। हम खाने खाने गए अपनी फैमिली के साथ, हमने उठा के फ़ौरन फेसबुक पे इसको अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी। अब मिसाल के तौर पर मैंने किसी को भेजी और वो कई दिन से भूखा है या तकलीफ़ में, या उसकी फैमिली यानी कि मियाँ बीवी थे सेपरेट हो गए, तो यादें आ जाती हैं, बच्चे थे वो अलग हो गए, वो एक हसद का मामला होता है, नज़र का मामला होता है एक। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए, आप इन चीज़ों से बचें, ताकि अब हमारे औलिया कामिन तो ये किया करते थे कि जब कुछ फल लाते थे और बांटते थे, अगर नहीं होता तो कहते थे बेटा इसको इसके जो कचरा होगा यानी कि जो इसका छिलका होगा वो उतार कर दूर डालना, ताकि बराबर पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, कि उसके बच्चे कहें कि वालिद हमारे लेके आ, दूसरा जो घर वाला वो ना ला सके, तकलीफ़ का मामला है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि जादू है या नज़र बद है या फिर कोई आसेब है, वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ कि अगर आप डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बेचैनी है बिला वजह, वो बेचैनी नहीं ठीक हो पा रही, जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि वज़ू नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं, सोकर उठते हैं तो लगता है कि बस जैसे आराम नहीं किया बल्कि बहुत ही कोई मेहनत का काम करके उठे हैं, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनमें कैसे फ़र्क पता चलता है आपको, नज़र बद का और आसेब का या जादू का? देखिए, जो हमारे मेरे पास जो कुछ अक्सर जो मरीज़ आते हैं, कभी कभी तो ये खालिसतन नफसियाती मामला होता है, ठीक है, उनके साथ रूहानी कोई मामला नहीं होता, नहीं होता, किसी के साथ जो मसल्स का इशू होता है, जो कह रहे होते हैं वो घबराहटें, लेकिन कुछ लोगों के साथ हकीकतन रूहानी मामला होते हैं। जब नज़र बद के मामला होते हैं तो यहाँ कनपट्टी पर दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर में भारीपन सा आ जाता है, थकावट जिसे माना शुरू हो जाती है, इसी तरह जिनके साथ असरात के मामला होते हैं उनको घुटन बहुत ज़्यादा होती है, इसी तरह ब्लैक मैजिक और असरात तकरीबन करीब अलामत एक जैसी होती हैं। उसकी वजह ये होती है जो ब्लैक मैजिक के अंदर जो मामला होते हैं सिफरी होते हैं वो खबीस जिन्नात के ज़रिए करा जाता है। अच्छा, कुछ जिनके घरों में काला जादू होता है उनके घर में अक्सर अवकात गंदी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से अक्सर घर वाले हाइपर हो जाते हैं, मियाँ बीवी बैठे हैं कोई छोटी सी बात है अचानक हाइपर हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है, अगर बाद में सोचा जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वो बात इतनी बड़ी लगती है, कभी कभी उसमें सेपरेशन भी हो जाती है, तो हाँ ऐसा होता है। और तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर अक्सर ये जो असरात होते हैं या जो काला जादू होता है ये किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन को हिस्से को आज़ा को तबाह कर देते हैं, उसके लिए हमें यह है कि एक तो अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, दूसरा ये है कि जो इन चीज़ों का इल्म जानता है। इस ज़माने में एक बड़ा अजीब मामला है कि आप अगर घर बनवाएंगी बहन तो क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगी? अगर आपको कोई कानून का मसला है तो आप किसी सर्जन के पास जाएंगी? अगर आपको जो है आपका बच्चा बीमार है तो आप किसी बहुत ही PhD जो लॉ जानता है कानून जानता है उसके पास जाएंगे? भाई जिसके पास हाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, जो जिस चीज का माहिर है। इसी तरह के जो हकीकतन जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है जो उसके माहिर उनसे रुजू करें। तो एक बड़ी ख़राबी ये होती है कि जो मामला और ख़राब होते हैं कि उन लोगों से रابطہ किया जाता है कि जो नहीं जानते। इसके लिए आप किसी के पास भी ना जाएं, नमाज की पाबंदी करें, अस्तग़फ़ार करें, सूरह फलक और नास की कसरत करें, आयतुल कुर्सी का विद करते रहें, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये ज़रूर देखा गया है क्योंकि मुशाहिदा है, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जब इस तरह के पेशेंट्स आते तो आप फरमाते थे कि भाई जो माहिर नफ्सियात है उससे भी रुजू किया जाए, क्योंकि जब जादू का मामला हो जाए और नज़र बद का मामला हो जाए तो नफ्सियात पर वो बहुत गहरा असर करता है, रूहानी मामलात के साथ किसी माहिर नफ्सियात को भी दिखाना चाहिए।
आप भी तो इलाज करते हैं जी? बिल्कुल। आप किस जगह पर, हम आपका आपका वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूहानी इनके साथ, क्योंकि हिकमत मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से 4 साल जो इसका जो कोर्स है नेशनल काउंसिल फॉर टिप से वो मैंने किया, और मैं एक हकीम हूँ क्वालिफाइड। तो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको एक दवा आती है माजून निजा, ठीक है, वो भी देते हैं। और वैसे मलीर के अंदर दवाखाना है, वहीं खानकाह है हमारी मलीर काला बोर्ड पर, मैं आपको दे दूंगा वो आप चला दीजिएगा जगह एड्रेस। तो इंशाल्लाह जो जिनकी तकलीफ परेशानी अल्लाह दूर फरमाए और अल्लाह ताला उनको बेहतर फरमाए। बहुत शुक्रिया, और बहुत आज हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच मुफ्ती नूर साहब, इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफिज़। जी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और आप लोगों को याद होगा कि सबीर रहमानी भाई के साथ जो मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने उनसे बड़ी एक रिक्वेस्ट की थी कि उनकी वाइफ की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सना खानी करती हैं वो, और मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी कि अगर वो इजाज़त दें तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको आज तक कभी भी किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने आज तक नहीं देखा ना ही सुना है। और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सभी भाई का कि सभी भाई आपने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। और आज हमारे साथ भाभी मौजूद हैं, मिसेस सभी रहमानी। शाहिन भाभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक लग नहीं रही आप वैसे मुझे पता है आपका पहली दफ़ा है और आप कैमरा पहली बार फेस कर रही हैं, लेकिन बस मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि आप मेरे प्रोग्राम में आएं और नातवानी करें, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। भाभी कितना अरसा हो गया आपको नातवानी करते हुए? मैं तकरीबन 5th-6th क्लास में थी। अच्छा, उस वक्त से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमें भी ये शर्फ बख्शे हमारे देखने वालों को भी कि वो आपकी नातवानी सुन सकें, आपको देख सकें। तो पहली नात कौन सी पढ़ेंगी आप? हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत नात है जी। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया, नहीं करते दगी में बा
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और माशाल्लाह से भाभी हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि हमसे कोई एक नात और सुने। भाभी क्या सुना रही हैं आप? मैं मुद्दत से सांस में जी रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं मुद्दत से सांस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से सांस पर जी रही हूँ। खुदा कब सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और हर दिल की आवाज़। जज़ाक, बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आईं और आपने बहुत खूबसूरत जो है नात ख्वानी की। आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामत रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कभी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं रमज़ान मुबारक के किचन में और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाली हूँ। लेमनेट बनाना मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि मिंट लेमनेट कैसे बनता है, घर में आप उसको किस तरह बना सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट अगर चाहिए तो वो किस तरह से आएगा। क्योंकि हम लोग घर में जो चीज़ें बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत मकदार की कमी बेशी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो टेस्ट नहीं आता जैसे कि बाज़ार में आता है। तो जी हम शुरू करते हैं। मिंट लेमनेट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए 7 अप या स्प्राइट, और हमें इसके लिए चाहिए लेमन जूस, हमें चाहिए इसके लिए मिंट यानी कि पुदीना। अच्छा, अब अगर आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि बर्फ़ इसमें ज़्यादा डलती है, तो जब हम इसमें बर्फ़ ज़्यादा डालते हैं तो हमें इसका जो मिठास होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो वो लोग जो कि मीठा ज़्यादा पीना पसंद करते हैं वो इसमें शुगर डाल सकते हैं, और जो लोग मीठा नहीं पसंद करते, हल्का मीठा पीते हैं या खाते हैं, वो शुगर ना डालें। तो जी इसके लिए हमें शुगर चाहिए और हमें चाहिए इसके लिए काला नमक। अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काला नमक वो लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं काला नमक डालूँ क्योंकि काले नमक में थोड़ी सी स्मेल होती है तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ख़ासकर रेस्टोरेंट्स में। तो मैं इसमें काला नमक डालूंगी, ऐड करूंगी। आप लोगों को अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए तो आप इसमें काला नमक नहीं डालेंगे। तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की इफ्तारी का ड्रिंक, मिंट लेमनेड। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं बर्फ़। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, पुदीना, लेमन जूस, स्प्राइट या फिर पानी। ठीक है, हम इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी आपने देखा कि किस तरह मिंट लेमनेड मैंने तैयार किया। 2-3 मिनट के अंदर ही आपका मिंट लेमनेड तैयार हो जाएगा। अगर पास सामान आपके पास बस तैयार होना चाहिए और बहुत ही ये फरहत बख्शता है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمان میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ نظر بد جو ہوتا ہے وہ انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتا ہے اور ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتا ہے نظر بد۔ یہاں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے، ہم کوئی گھر لے لیں تو اس پہ نظر بد ہوتی ہے، گاڑی اس کی پہ نظر بد ہوتی ہے، حسد کا ایک معاملہ بہت زیادہ ہو۔ نظر بد سے بچنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود اس کی احتیاطی تدابیر بھی کیجیے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ایک وہ شخص کہ جو کئی دن سے بھوکا ہے، اس کے سامنے آپ کافی سارے کھانے لگے ہوں، اس کے سامنے وہ تصویر اپلوڈ کریں، ایک تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ نظر بد کا وہ طریقہ ہے جس سے آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر حسد لگائیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ کر لیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جی میری پیاری پیاری بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، سب کو یقیناً میرا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، میری رمضان ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی، اور میں نے بس کوشش کی ہے چھوٹی سی، اللہ پاک اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ کچھ ایسے مضامین پہ بات ہو روز، کوئی ایسے سبجیکٹس ہوں، ایسے ٹاپکس ہوں جن سے ہم عام زندگی میں جن کو ہم اپلائی کر سکیں، ہماری عام زندگی کی جو روزانہ کی روٹین ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں آلریڈی، لیکن ریمائنڈ کرانا ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ یاد دہانی کراتے رہیں، جو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سيدنا محمد وعلى